का टेस्ट जो शायद उड़की वासी मिस कर रहे थे बहुत टाइम से, हम वो लेके आए। लोकल का नारा है, बोटलब नाम रखे इन्होंने, इसको एक ब्रांड बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। का स्पेशल डे होगा या कुछ होगा तो हम उन व्यंजनों को भी प्रमोट करेंगे। अगर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, कैफेटेरिया बनाया। स्टार्टअप है, एक इनोवेशन है जो हमारे एनआरआई हरीश भाई ने किया है, तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ जो फॉरेन से आकर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, कैफेटेरिया बनाया है, और बहुत अच्छी थीम इन्होंने रखी है इसकी। और मैं समझता हूँ कि बोट क्लब नाम भी रुकी है, बहुत फेमस नाम है, और यूथ जो हमारा बोट क्लब के आसपास यहाँ पे आते हैं क्योंकि गंगा जी का दृश्य यहाँ से दिखता है और यहाँ पे जो है काफ़ी ग्रीनरी है, तो कैफेटेरिया में ओपन टेरेस भी है जहाँ पे लोग खुली हवा में बैठकर आनंद लेंगे और कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। तो इनको शुभकामना देता हूँ जो स्टार्टअप हरीश भाई और राहुल भाई ने किया है, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा माइंड है, और जो वोकल फॉर लोकल का नारा है, बोट क्लब नाम रखे इन्होंने, इसको एक ब्रांड बना रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रुड़की एक बड़ा शहर होता जा रहा है, रुड़की में बाहर के लोग काफ़ी आ गए हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से आप देखो, टूरिस्ट की वजह से देखो, और एक रुड़की अपने आप एक मॉडल सिटी बन रहा है, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों की और बाहर की नई नई चीज़ों की डिमांड है। तो एक कैफेटेरिया उसका एक उदाहरण है, कई तरह के कैफे यहाँ पर हैं, कई तरह के स्नैक्स यहाँ पर हैं और कई तरह के नए नए प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चलेगा और लोकेशन बहुत अच्छी है, इंटीरियर बहुत अच्छा है और थीम इनका बहुत अच्छा है। तो एक बार पुनः जो इनके मैनेजर्स हैं इनको मैं शुभकामना देता हूँ जो मैनेज कर रहे हैं, तो ये बोट क्लब बिस्ट्रो के नाम से जो है ये काफ़ी आगे बढ़े और कई सारे ब्रांड चेन इसी आगे बनेंगे। सर हमारा इंटरनेशनल कुजीन है और हमने हर प्रकार के विश्व के खाने को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसमें जापनीज़ है, इंडोनेशियन है, थोड़ा बहुत बर्मीज़ का एलिमेंट है, कॉन्टिनेंटल फूड है जिसमें इटालियन मेन है, उसके बाद कुछ अरेबिक डिशेस भी है, तो कुछ बाहर का टेस्ट जो शायद उड़की वासी मिस कर रहे थे बहुत टाइम से, हम वो लेके आए हैं। सर जी सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं खुद पहाड़ी हूँ, खुद प्राउड उत्तराखंडी हूँ, मेरा पिथौरागढ़ जन्म स्थान है और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फूड है जो आजकल हर कोई चाह रहा है कि हम लोग इंटरनेशनली भी एक्सप्लोर करें, हमारी सरकार हर कोई कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बढ़े और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, तो कुछ इंटरनेशनल फूड जो यहाँ पे मिसिंग है, मैंने पहले भी बताया इंडियन फूड बहुत अच्छा मिल रहा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ आके मैं उसको नहीं चैलेंज करना चाहता, जो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है कुछ रेस्टोरेंट्स में अच्छा भी मिल रहा है, ऐसे नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है, और हम उसके लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड है फूड का उसकी क्वालिटी को हम होपफुली इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन मैं आपको इसी इंटरव्यू के माध्यम से मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा उत्तराखंड का स्पेशल डे होगा या कुछ होगा तो हम उन व्यंजनों को भी प्रमोट करेंगे और हम उनको भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी जो रेस्टोरेंट में है उसमें आप कह रहे हैं, अगर आप मुझसे कहें तो अगर एशियन खाने की जो बात होती है, हर जगह पे चाइनीज़ के नाम पे सिर्फ फ्राइड राइस नूडल्स, हक्का नूडल्स मिलते हैं, हम लोग बहुत इंटरनेशनल थाई नूडल्स लेके आ रहे हैं, पाट थाई नूडल एक राइस शीट से बना हुआ नूडल है जो बहुत हेल्दी होता है, एट द वेरी सेम टाइम वो एक एशियन फूड का भी आपको टेस्ट देता है। बोट क्लब बिस्ट्रो नाम दिया है हमने कैफ़े को, वो इस रोड से ही हमने उसको डेडिकेट किया है, हम इन रिटर्न इस रोड को भी पहचान बनाना चाहते हैं अपनी रोड के नाम से, और शायद इन फ्यूचर हमारे नाम से भी इस इलाके की कुछ जान पहचान बने, कुछ ऐसा इरादा है। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ, और रही यहाँ पर फूड की बात तो हमारा इंडियन के साथ साथ, जैसे आपको हमारे साथ हमारे पार्टनर ने आपको बताया होगा, हरीश भैया ने आपको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पर जापनीज़ फूड और अलग चाइनीज़ ये सब हम लेकर आए हैं। इंडियन फूड तो देखिए हम सबके ज़बान पे चढ़ा हुआ है और ऑफकोर्स ये हमें पसंद भी है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा पब्लिक को टेस्ट चेंज करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, तो सभी रुड़की वासियों से बस यही है निवेदन कि एक बार आएँ और ज़रूर यहाँ पर टेस्ट करके देखें। नहीं नहीं सर, हमारा सर्विसिंग स्टाफ भी हमारा यहीं का ही है, और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से हम लोगों ने किसी को बुलाया है, तो हमारा सर्विस स्टाफ भी यहीं का है।